तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि एडवांस एक्सेल होता क्या है, जैसे आपने बोला कि सर भी एचलू का वीलू का बर्बर यूज कर लेते हैं, तो चलिए हम आपके कुछ एग्जांपल देते हैं, कुछ छोटे एग्जांपल और कुछ थोड़ी सी बड़े एग्जांपल देते हैं, ताकि आपको आइडिया लगेगा कि आखिर एडवांस एक्सेल होता क्या है। राइट सर जी। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मैंने यहाँ पे 20 और यहाँ पे 30 कर दिया, अब 20 को मैंने कॉपी किया, 30 के ऊपर पेस्ट किया, 30 रिप्लेस बाय 20। चलिए इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमने राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में हमने ऑपरेशन इस्तेमाल किया और ऑपरेशन में हमने ऐड कर दिया, तो ऐड करने से क्या हुआ, 30 या 20 के बीच में मल्टीप्लीकेशन हुई और रिजल्ट 50 ऐड हो गया। बिल्कुल समझ गए? तो आपने सीखा कि पेस्ट स्पेशल करते समय ऑपरेशन में अगर हम सेलेक्ट करते हैं कोई फीचर्स तो वो कैलकुलेशन हो जाता है, डिवाइड रिजल्ट कुछ पेश होता है। करते हैं क्या सर? जी। तो ये इसको हम बेसिक कह सकते हैं कि हाँ चलिए आपने फीचर्स के बारे में सीख किया, कोई भी ट्रेनर आपको यही सिखाएगा, समझ गए? लेकिन जब आप एक वर्किंग प्रोफेशनल के पास जाएंगे, से मेरे जैसे लोगों के पास आएंगे, तो इसको थोड़ा सा तरीकी बना के आपको सिखाएंगे। चलिए हम बताते हैं कि इसको हम कैसे सिखाएंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे परसेंटेज के लिए, एक्सेल में परसेंट अगर टाइप करना है तो 20% का सिंबल दिया, देन 20% आया, राइट? अगर मैं 20 टाइप करूं इसके ऊपर परसेंट का सिंबल लगाऊं 2000% हो जाएगा, क्योंकि एक्सेल में 1 इक्वल टू 100% होता है, 1 इक्वल टू 100%। इसका मतलब है कि अगर मुझे बाद में फॉर्मेटिंग लगानी है तो जस्ट 0.20 और इसके ऊपर हम परसेंटेज का सिंबल लगा दें। अब यही प्रॉब्लम होती थी हमारे कलीग में, हमारे कलीग मुझे एक डेटा भेजते थे और डेटा को नंबर फॉर्मेट, अब यहां मैं रैन बिटवीन का फॉर्मूला रैंडम डेटा के लिए यूज कर रहा हूं, हमने कॉपी किया इसी के ऊपर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब प्रॉब्लम क्या है कि उनके अकॉर्डिंग ये 34 है, लेकिन एक्सेल कहता है कि 34 का नंबर, पर उनके अकॉर्डिंग 34% है। अब मान लीजिए 3500 का 34% मुझे कैलकुलेट करना होगा, तो हम यहाँ पे 34 को परसेंटेज फॉर्मेट में लिखेंगे और इन दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, वी हैव गॉट द रिजल्ट। लेकिन अगर इसी में अगर मैंने कर दिया 34 इन द नंबर तो क्या होगा, तो अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट गलत आएगा, मुझे अपने फॉर्मूले को चेंज करना होगा, डिवाइड बाय 100, तब जाके करेक्ट रिजल्ट आएगा, राइट सर? अब प्रॉब्लम क्या है कि मैं अपना फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इन्हीं का डेटा नहीं और जैसे बहुत लोगों का डेटा इस्तेमाल करता हूं। मैं चाहता हूं कि यहां हम डेटा को अपने यूज करने से पहले ही इसको जो है हम कन्वर्ट कर दें किसमें, परसेंटेज। परसेंटेज। तो उस केस में कैसे करते हैं, मेरे पास दो रास्ते हैं, मैं F2 प्रेस करके एक एक करके इस तरह से परसेंटेज कन्वर्ट करूं, या फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दूं और फिर इसके ऊपर परसेंटेज का सिंबल लगा दूं। तो मैं दूसरा रास्ता चूज करूंगा, और दूसरा रास्ता चूज करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा अब ये जो पेस्ट स्पेशल मैंने ही बताया उसका। कैसे? मैं किसी एक जगह पे 100 लिख दूंगा, कॉपी करूंगा, पूरे एरिया को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, पेस्ट स्पेशल, और इस पे मैं करूंगा जस्ट डिवाइड। मैं हर नंबर को 100 से डिवाइड करूंगा तो नंबर्स कन्वर्ट हो जाएंगे डेसिमल से, वो भी एक ही बार में, एंड बी अप्लाई द परसेंटेज। अब आप कंपेयरिंग कीजिए कि आपने जान सेम फीचर यहाँ अप्लाई किया, राइट? लेकिन मुझे लगता है बताने के बाद आप जो है आज क्या कल ही भूल जाते कि मैंने क्या बताया, क्योंकि कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, इसका कोई यूज समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए कोई फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसको इग्नोर कर देंगे। लेकिन जब उसी को एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे बताया तो इसको आप जल्दी नहीं भूलेंगे, राइट सर? जी।
अब चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। आपने बोला कि सर मैं वी लुकअप हम लोग लगा लेते हैं, राइट सर, हम वी लुकअप लगा लेते हैं। तो मेरे पास कुछ इस तरह का डेटा है, राइट सर। अब डेटा में यहां पे लिखा है फ्रॉम पूजा सिंह और यहां पे चेक नंबर लिखा है, चेक नंबर 78962 और यहां पे लिखा है क्वांटिटी, यहां यहां नीचे यहां लिखा है डीआर और यहां ऊपर में लिखा हुआ है अमाउंट 500। तो आपने क्या किया कि एक एक स्टेटमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करके कुछ इस तरह से लाया, ठीक है सर। अब आपको क्या करना है, इसको अब इसको इस पे एनालिसिस वगैरह तो नहीं कर सकते ना सर, कि कर सकते हैं? नहीं नहीं इसमें नहीं, इसे पिवट लगेगा, समीप का फार्मूला लगेगा, नहीं क्योंकि डेटा है ही नहीं ना सर। क्या सर डेटा है? अब इसको मुझे, अब इसको मुझे क्या करना है, कुछ इस तरह चाहिए कि इस तरह से चाहिए सीरियल नंबर, नेम, चेक नंबर, यहाँ पे DR/CR और अमाउंट। अब ऐसे सिक्वेंसली रहेगा तो इजीली सी ऊपर सब कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल। तो कैसे करेंगे सर, इसको करेंगे कैसे, क्योंकि इसको तो मैनुअल करना पड़ जाएगा ना, कि आप सीरियल नंबर 1 दिए, फिर यहां से 3 अगस्त को कॉपी किया, सॉरी यहां पे डेट देना भूल गया मैं, सॉरी यहां पे डेट होगा, हाँ डेट। तो आपने डेट को उठाया, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, फिर चेक नंबर में से इसको चेक नंबर को अलग किया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे नेम में पूजा सिंह डाला, यहाँ डीआर था और अमाउंट आपने 5000 डाल दिया। अब कहीं पे डीआर भी है, कहीं पे सीआर भी है, फिर इसी तरह से दूसरा तीसरा चौथा करेंगे। अब 1000 रो मिल गया तो आपकी तो हालत खराब हो जाएगी सर करने में, क्या सर? हाँ। तो यहाँ पे अब मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको कैसे किया जाता है, हमारी क्लास में इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करने के लिए सिखाया जाता है। तो सबसे पहले एक रो इंसर्ट करके यहाँ इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा कि इफ सामने वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मैक्स का फॉर्मूला लगाए, मैक्सिमम नंबर निकाले, उसमें +1 कर दे, नहीं तो ब्लैंक कर दे, ठीक है। और पहले मैक्सिमम को फिनिश कर दिया, अब इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूं। इससे क्या होगा कि जितने भी डेट है ना, क्योंकि हमने डेटा को अंडरस्टैंड किया कि भाई डेटा स्टार्ट डेट से हो रहा है और 2 कॉलम बाद चेक नंबर है, उसके 3 कॉलम बाद अमाउंट है, और जैसे जहां डेट है उसी के जस्ट नीचे वाले रो की अगली कॉलम में नेम है और उसके 3 कॉलम बाद DR/CR डाला हुआ है, ये फिक्स है। हाँ, इसके बीच में कितने रो होगा वो फिक्स नहीं है, इसमें किसी में 4 रो है, किसी में 3 है, किसी में 2 ब्लैंक रो है, ये फिक्स नहीं है, बाकी सब फिक्स है, ठीक है। तो कंडीशन मैंने समझ लिया, तो हमने क्या किया, हमने लगाया कि अगर कॉलन बी के अंदर में कोई वैल्यू होगी तो डेट होगी, तो पहला नंबर दे दे, दूसरा पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा, चौथे पे चौथा, ऐसे सिक्वेंस नंबर जनरेट कर लिया। फिर मैं मैनुअली यहाँ पे 1 लिखा और फॉर्मूला दिया कि इफ इसमें +1 करने पे ग्रेटर देन मैक्स, एक कॉलम का तो नहीं है, अगर मैक्स है तो ब्लैंक कर दो, अदरवाइज इसमें +1 कर दो। हम नीचे जाने पे एरर देगा, तो इसको हम इस एरर के जरिए एरर शूट करेंगे। अब थोड़ा सा हेटिक लग रहा होगा, क्या करेंगे, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको कि एडवांस एक्शन होता क्या है। कुछ लोग एडवांस एक्शन को VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग से जोड़ देते हैं, बट VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग डिफरेंट है। अब मैं यहाँ वी लुकअप लगाऊंगा और इस 1 को सिलेक्ट करूंगा और 2, 3, 4, 5 ये रहा हमारा, तो ये हमारा 2 जो कि डेट शो कर देगा। आ गया डेट सर?
फिर अगेन वी लुकअप लगाऊंगा, इसको नेम नहीं आएगा, चेक नंबर आएगा, वी लुकअप लगाऊंगा, और इससे हमने क्या किया, चेक नंबर कितने में, चेक नंबर है 5 में, कॉमा 5.0। अब चेक नंबर है पर चेक लगा हुआ है, चेक हटाना है, तो सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला यूज करूंगा, और सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला क्या करेगा, इसमें से चेक को कन्वर्ट कर देगा ब्लैंक, ठीक है। DRCR तो नहीं आ पाएगा बट अमाउंट आ पाएगा, तो मैंने इसी वीलू के फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लगाने से अच्छा है कॉपी पेस्ट कर लूँ, और 5 के जगह पे हो जाएगा 6, 7, 8, 9, आ गया सर। तो हमने आधा डेटा तो आ गया, अब नेम कैसे आएगा, तो नेम के लिए मुझे लगाना पड़ेगा फॉर्मूला मैच का। मैच फॉर्मूला बताएगा कि किस रो में ये सीक्वेंस नंबर है, इसने बता दिया कि भाई दूसरे नंबर रो पे है। अब मुझे इसमें फिर हमने यहाँ पे ऑफसेट का फॉर्मूला लगाया और बोला कि यहां से जाओ 2 नंबर रो और 1, 2, 3 3 नंबर कॉलम। अब देखिए 0 आ गया, नहीं 2 नंबर, क्योंकि 0 से काउंट करता है, जो 0 से काउंट करता है ऑफसेट, तो हमें 2 नंबर लेना होगा। मतलब कि मैं ऑफसेट में मैच को फिक्स कर दूंगा तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। क्या सर, तो एडवांस एक्सेल, हमारी जो एडवांस एक्सेल की क्लासेज होती है उसमें हम कुछ इसी तरह से ट्रेनिंग देते हैं सर, जहां पे आप जो है अपने ऑफिशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहां पे सब्स्टिट्यूट लगाया और बोला इसमें से फ्रॉम स्पेस को रिमूव कर दो, जिससे सिर्फ नाम आएगा। आ गया सर, अब इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पेस्ट करने के बाद जिस यहाँ पे 2 था 3, 4, 5, 6 6 कॉलम कर देंगे। याद आ गया सर, अब कुछ नहीं करना है, इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। आ गई रिपोर्ट सारी सर, और ये ऑटोमेटिक भी हो गई, क्योंकि इसमें बढ़ता घटता है तो अपने आप को बढ़ा घटा भी ले गए, समझे? कोई डाउट इसमें? नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमारी एडवांस एक्सेल की जो कोर्स होती है, कुछ इसी तरह की कोर्स होती है। आप चलिए कोर्स की सिलेबस के बारे में बात करते हैं। आपको मैंने सिलेबस का भेजा है पीडीएफ? नहीं, सिलेबस का पीडीएफ नहीं भेजा है। चलिए एक बार आपको हम सिलेबस का पीडीएफ भेज देते हैं जो आपको पढ़ाएंगे। तो मेरे पास दो तरह के कोर्स है, एक है हमारा एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला, एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला, ये जो सारी चीज़ें जो मैंने बताई है इसी कोर्स के अंदर हम कवर करेंगे, जिसमें एक्सेल और एक्सेल के फीचर्स कवर करेंगे, मोर देन 200 फॉर्मूला, डायनेमिक चार्ट, रिपोर्ट ऑटोमेशन विद फॉर्मूला, ये सारी चीज़ के अंदर कवर होंगे, जिसका मैंने अभी अभी जस्ट पीडीएफ फाइल आपको भेजा है। हालांकि मेरी वेबसाइट iptindia.com से भी आप ले सकते हैं, जहां पे डेमो क्लास का फॉर्म भरा था। दूसरा आता है VBA माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग, मतलब कि आप एक्सेल के फीचर्स को यूज ना करके खुद के फीचर्स बनाना चाहते हैं तो आप VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग को यूज कर सकते हैं। एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला आपका 1.5 से 2 महीने का कोर्स है, VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग आपका 2 से 2.5 महीने का कोर्स है, दोनों अगर करते हैं तो 4 महीने के आसपास लगेगा, 4 महीने के आसपास लगेगा सर। एक्चुअली